ये जो है इससे बर्फ साफ की जाती है, ये प्लास्टिक का है, वो देसी पुराना जुगाड़ है। लेमन ऑयल रोड तो खुला हुआ है। खुला हुआ है? हाँ। भाई लोगों कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पर स्नो फॉल हो रही है जबरदस्त, और नजारे दिखाता हूँ आपको, एक से बढ़कर एक है भाई। तो गाइज अभी अभी जो है मैं यहाँ पे धड़ाम गिरा हूँ यहाँ से सीढ़ी से, और मेरा कैमरा भी ऑन था और कैमरा गिरते ही मतलब बंद हो गया अपने आप, और वो जो रिकॉर्डिंग चल रही थी वो भी अपने आप बंद हो गई, और पता नहीं यार वो गिरने वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं हूँ अभी चंद्रभागा एम्स में, और हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निशांत और मेरे साथ है विक्रम भाई, ये इनका ही है चंद्रभागा एम्स यहाँ पे तांडी में। भाई मई के महीने में ऐसी भयंकर स्नोफॉल हो रही है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है इस महीने में। भाई आपने देखा है? आपने तो देखा होगा। क्या क्या इस महीने में ऐसी स्नोफॉल? मैंने तो हर महीने में देखी है। हर महीने में देखी है, जनवरी से दिसंबर तक। हाँ तो भाई ने तो मतलब ये नहीं रहते यार, इन्होंने देखी होगी। तो यहाँ का नज़ारा बड़ा जबरदस्त हो रहा है। अभी मैं बहुत क्या डालू लाइव का, लाइव का वो क्या डालू, क्या डालू लाइव का टाइटल, क्या डालू नारिया फॉलिंग इन स्नोफॉल, फॉलिंग स्नोफॉल, फॉलिंग ग्रेसफुली, ग्रेसफुली तो नहीं था वो, ग्रेसफुली नहीं था, धड़ाम था वो तो, धड़ाम सब वाइट हो चुका है, बिल्कुल नार्निया बन चुका है यहाँ पे। भाई मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे मुझे ये सब देखने को मिलेगा मई के महीने में, और मैंने जो है ये चप्पल पहन रखी है, इससे मैं दोबारा भी गिर सकता हूँ। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि चलो बाइक पे चलते घूमने। जा सकते हैं अभी? जा सकते हैं, लेकिन आ नहीं पाएंगे फिर। बाइक चढ़ जाएगी तो जा सकते हैं, पैदल पैदल आना पड़ेगा फिर। चलो भाई लाइफ जा रहे हैं तो हम अभी मिलते हैं। तो गाइस अभी जो मैं धड़ाम गिरा हूँ ना थोड़ी देर पहले, मुझे लगी नहीं कहीं पे भी, लेकिन पूरे कपड़े जो मेरे पीछे से गीले हो गए थे, तो फिलहाल मैं अभी कपड़े चेंज करके कंबल के अंदर बैठा हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, एकदम हाथ पैर जो है सब सुन्न हो चुके हैं, और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अपनी जो वीडियो है उसको एडिट कर रहे हैं, और बाहर जो है नॉन स्टॉप स्नोफॉल चालू है भाई, चालू है एकदम भयंकर वाली। 8 बजने वाले भाई कंटिन्यूसली बाहर स्नोफॉल चालू है, और चालू है, चालू है, बहुत चालू हो रखा है। तो हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर चाय, इसको बोलते हैं सीबक थॉन, सीबक थॉन की चाय है ये, थॉन्ग नहीं थॉन, गेम्स ऑफ थॉन। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है मतलब, और बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मा ही देती है आपको ठंड के मौसम में। तो अभी ये चाय पीते हैं, लाइट आ जाएगी तो वीडियो एडिटिंग कंटिन्यू करेंगे, नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम यहाँ पे माहौल बना हुआ है चाय का। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को डिनर करने के बाद हम सो गए थे, बहुत तेज नींद आ रही थी तो सो गया था मैं फटाफट, और अभी सुबह उठा हूँ, सुबह के करीब 7 बज रहे हैं, और बाहर का नज़ारा पूरा वाइट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से नज़ारा, तो सुबह उठ गया था मैं करीब 5:30 बजे और एडिट कर रहा था वीडियो अपना, और उसके बाद अभी जो है रेंडर पे लगा हुआ है, तो वीडियो रेंडर हो रहा है यहाँ पर, जो है अभी लाइट तो आ नहीं रही है यहाँ पर, तो जो अपना ये पावर बैंक है, पावर स्टेशन है, इसी से चार्जिंग हो रही है लैपटॉप की। तो भाई ये देखो ये है व्यू आज का, फुल्लम फुल वाइट। आगे तक ले जाओ, बिल्कुल ऐसे करके ना, ऐसे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ले जाओ ऐसे करके, हाँ ऐसे करके आराम से, हाँ सर करके ले जाओ आगे तक, हाँ ये वेरी गुड। खेल खेल में बर्फ साफ हो जाता है देखो। अब इसको भी करो, हाँ ऐसे ऐसे करो,
और पीछे से साफ करके ले जाओ अब। हाँ आगे तक मत ले जाओ, आप साफ करते करते ले जाओ आगे। हाँ ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे करके ले जाओ। हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल। तो ये जो है इसे बर्फ साफ की जाती है। ये प्लास्टिक का है, वो पुराना जुगाड़ है जो कि अभी विक्रम भाई ने हमें बताया। और भाई नजारा एक नंबर है भाई, यहाँ से मजा आ गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मई के महीने में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बर्फ साफ कर रहा हूँ मई में। चलो विंटर्स में समझ में आता है, लेकिन ये कोई सीजन है नहीं। गर्मी में सर्दी का एहसास। मुबारक भाई, जल्दी जल्दी करो। जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस फाइनली जो है धूप निकल आई है, यहाँ पर मौसम खुलने लगा है। और लेकिन उसमें गूगल में दिखा रहा है कि आज भी स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन शाम तक ही पता लगेगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल तो जो है धूप निकल आई है। पीछे का नज़ारा पूरा वाइट है, तो मतलब फुल पैसा वसूल वाली ट्रिप हो गई है भाई हमारी तो ये। तो इधर मुबारक ने टाइम लैप्स लगा रखा है। ये कहाँ का टाइम लैप्स लगा रखा है भाई? पहाड़ी के टॉप का। अच्छा तो भाई यहाँ तो कहीं भी लगा दो कैमरा, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। चलो आप टाइम लैप्स देखो। कल हम लोग रुके थे यहाँ पे चंद्रभागा कैंप्स में तांडी में, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे उदयपुर तक गए थे हम, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। पूरा दिन जो है हम बैठे रहे क्योंकि बर्फ़ थी, बर्फ़ पिघल रही थी, धीरे धीरे पिघल गई शाम तक, और आज जो है पूरा का पूरा खाली हो चुका है, सारी स्नो मेल्ट हो चुकी है। लेकिन दो दिन बाद जो है फिर से मौसम ख़राब होने वाला है, तो आज हम लोग जाएंगे कहीं कैंप करेंगे रात को। तो यहाँ से निकलते हैं, और लेह मनाली हाईवे का स्टेटस कुछ ऐसा है, फिलहाल तो लेह मनाली हाईवे बंद है, 15-20 तारीख तक शायद खुलेगा भी नहीं, और उसके बाद शायद खुल सकता है। अभी दो दिन बाद जो है फिर से मौसम ख़राब होने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए भाई बताएंगे। लेह मनाली रोड तो खुला हुआ है। खुला हुआ है? हाँ। चले फिर, चलो चलो। बंदे बंदे यार, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। मतलब कब तक खुलने के आसार हैं? अब ये तो मेरे ख्याल से 25 मई के बाद ही पता लगेगा। 25 मई के बाद अभी फिर से मौसम खराब हो रहा है। मौसम खराब है, खुल गया था वैसे मनाली ले हाईवे तो खुल चुका था। बारिश की वजह से अभी दोबारा स्नोफॉल हो सकती है ना। दोबारा स्नोफॉल हो सकती है, तो जिसको स्नोफॉल एंजॉय करनी है वो इधर आ जाए भाई। तांडी आ जाए। शिंगुला पास भी खुल चुका था। अच्छा फिर बंद हो गया। फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा, बंद हो रहा है, बस यही। अच्छा, अच्छा तो सबसे सही यही रहेगा कि आप कहीं प्लेस बना के रहें, स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। अगर रास्ता खुला है तो अभी आगे जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बस भाई यही है कि अभी जो है फिर से मौसम ख़राब होने वाला है, तो जिन जिनको स्नो एंजॉय करनी है वो तो आ सकते हैं। मस्त आओ इधर की साइड, लाहौल में घूमो, और अगर ले जाना है तो कश्मीर साइड से जाओ, इधर से तो अभी बंद है। तो गाइज़ हम लोग तांडी से वापस आ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पेड़नी में बैठे हुए हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, डिस्क पैड जो है घिस गए थे, तो उसको चेंज करवाया। चेंज करवाने लगे तो उसका नट टूट गया, तो उसको भी चेंज करवाया। तो फिलहाल अभी दोपहर के 3:15 हो रहे हैं, तो यहाँ से लंच करके फिर हम चलेंगे सेथन की तरफ, और उसके आगे भी जाएंगे, देखते जहाँ तक रोड बनी है वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद देखते कहाँ हम कैंप लगाते हैं आज। तो लंच कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो लंच हमारा हो चुका है, अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं हमारे को जाने देते नहीं जाने देते। वैसे जाने देंगे, आजकल पहले बड़ी दिक्कत होती थी, अभी तो आई गैस कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ऊपर जाने में, ऊपर मतलब सेथन में। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी सेथन विलेज, और उससे आगे थोड़ा जाएंगे हम। और भाई रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एकदम, मतलब बिल्कुल टूटा हुआ रास्ता है। और यहाँ पर जो एंट्री की फ़ीस है वो लगती है 200 रुपये, मतलब एक गाड़ी के 200 रुपये लगेंगे और फिर ही आप जा पाओगे। पहले जो 3-4 साल पहले क्या होता था कि आपके कोई पैसे नहीं लगते थे, लेकिन आपको जाने भी नहीं दिया जाता था। अगर आपके ऊपर हॉस्टल या होटल या किसी
कैंप में बुकिंग है तो उनसे बात करा के फिर ही आपको जाने दे देते। अभी तो सीधा सीधा पैसे दो और जाओ, सिंपल सिस्टम है। तो ठीक है, 200 रुपये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड थोड़ी ठीक होनी चाहिए। उस पर खराब रोड है, 200 ज़्यादा तो गाड़ी में लग जाएंगे, दिक्कत होती है। तो बाकी तो बस हम पहुँचने वाले हैं अपन, और देखते हैं फिर क्या मिलती है जगह। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, सिथन से भी आगे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जो डैम है उसके पास में है। तो यहाँ पर आज रात को हम लोग कैंप करने वाले हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा स्नोफॉल देख के और की सारी चीजें देख के। अब यहाँ पे जो कैंप करेंगे उसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे आगे की कहानी के साथ।